आप पूरा अंतिम तक जरूर देखना, अति महत्वपूर्ण टॉपिक आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसके अगर मात्रक की चर्चा करें अपन सबसे पहले, तो मात्रक जो है ना इसका अवयव क्या है, जूल है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है, समझना। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है और कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कितने प्रकार हैं, तो ऊर्जा के दो प्रकार हैं, जो है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आपका, देखिए आप पेन को ऐसे हाथ में उठाओगे तो वो स्थितिज ऊर्जा में आ जाएगा, है ना, गिरेगा तो नीचे गिरेगा ना, तो यही क्या है, स्थितिज ऊर्जाएं हैं। अब आते हैं अपन दो नंबर, जो कि गतिज ऊर्जा पर आते हैं। गतिज ऊर्जा पर अपन चर्चा करते हैं, गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा को अपन इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था है 1/2 mv2। अब यहाँ पर क्या है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 तो ठीक है, एम यानी क्या होता है, द्रव्यमान होता है, लेकिन यहाँ पर वी आ गया ना, एम यानी क्या है, एम यानी यहाँ पर द्रव्यमान ही है, और द्रव्यमान यहाँ पर भी चेंज नहीं होगा, है ना, अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेम वस्तु के लिए तो वही रहेगा, है ना। v यानी क्या होता है, वेग, v यानी क्या है, यहाँ पर वेग है, वेग यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, है ना। तो द्रव्यमान का जो इकाई होता है केजी में होता है, और वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड में होता है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना जरूरी है कि कैसे क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। जो देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो अपन ने पहले पढ़ी उसमें तो हाइट का सिस्टम था, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो है वह गति पर डिपेंड करती है। जितनी रफ्तार से बस चलती है उतनी उसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे कि मैं भगूंगा तो इस तरीके से जब मैं भग रहा हूँ तो जिस वेग से मैं भग रहा हूँ वही क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए जैसे कि बंदूक की जो गोली निकलती है तो वो जिस गति से दौड़ती है वही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। जितनी गति से चीज दौड़ेगी वही उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। पंखा जिस गति से घूम रहा है काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, आ रही बात समझ में। जैसे कि कोई भी चीज, जैसे कि इसको मैं फेंकूंगा मार्कर को, तो जिस गति से जाएगा वही क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है इस पर, वेग पर और वेग के वर्ग पर। देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए वर्ग पर। तो काइनेटिक एनर्जी समानुपाती किसके होती है, वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वेग के वर्ग के समानुपाती होती है, यह ध्यान आप रखना। आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी के उदाहरण देख लेते हैं। तो बंदूक से निकली हुई गोली, धनु से निकला हुआ तीर, दौड़ता हुआ सांप, है ना, भागता हुआ या रेंगता हुआ सांप, ठीक है, दौड़ता हुआ हिरण या दौड़ते हुए आप, तो ये सभी क्या है, ये सब काइनेटिक एनर्जी के उदाहरण है, ठीक है ना। आगे अपन देखिए इसके कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे कि 100 kg की कार, है ना, क्वेश्चन करवा रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी का, 100 kg यानी कि 100 किलो की क्या है, कार है, 100 kg की कार 80 किलोमीटर प्रति, है ना, किलोमीटर प्रति, या ऐसे लिख देते हैं 80 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब यहां पर देखिए हल करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या फॉर्मूला है, 1/2 mv2, 1/2 लिखेंगे, m द्रव्यमान कितना है 100 kg, तो इंटू 100 लिखेंगे, v कितना है तो ये रहा m बटा सेकेंड, है ना, जो कि अपन इस 80 लिखेंगे, और 80 के ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर अपन को दे रखा है फॉर्मूले, है ना। हल कर लेते हैं, इस 2 से ये 100 कट जाएगा 50 बार, 80 को 80 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 80 × 80 स्क्वायर को हटा के मैं 80 × 80 भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो 8 × 8 = 64, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 50 तो इसका आ गया ऊपर वाले का, 8 × 8 = 64, है ना, ये 64 हो गया और 2 जीरो ये है। अब इसको फिर हल कर लेते हैं,
तो ये 3 जीरो तो ये जाएगी, एक दो और ये 3 जीरो तो ये आ गई, दो तो ये एक ये, इनको गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 होगा, 20 का 0 हाथ लगेगा 2, 6 पंजे 30, 30 दो 32, तो यहाँ पर ये आएगा, ये ध्यान रखना, ये क्या गया, जूल आ गया है ना, तो इसका भी जूल ही लिखाएगा। तो ये हो गया अपना काइनेटिक एनर्जी, जैसे को इसको इस तरीके से ज्ञात किया जाता है। एमजीएच का जो पढ़ाया था मैंने स्थितिज ऊर्जा का, उसका भी फॉर्मूला ऐसे बनेगा, वहां पर ऐसे रफ्तार नहीं देगा है ना, वहां पर क्या दे देगा, ऊंचाई दे देगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर होनी आपके नहीं चाहिए। अब देखिए, अब बात यह है कि कहीं जो काफी सारी वस्तुएं होती है उनमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, यानी कि गतिज ऊर्जा भी हो सकती है और स्थितिज ऊर्जा भी हो सकती है ना, गतिज ऊर्जा भी हो सकती है और स्थितिज ऊर्जा भी हो सकती है। तो देखिए, जहां पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों हो वहां पर क्या होगा, तो उसको कहेंगे अपन यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है इसमें गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा ये दोनों होता है वहां पर ही क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। समझ में आया, जहां गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मिल जाती है वहीं पर ही क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा हो जाती है। जैसे कि बात करें कि एरोप्लेन जब तक रनवे पर दौड़ रहा है, यह एरोप्लेन है, यह क्या है, एरोप्लेन है, जब तक यह रनवे पर दौड़ रहा है, एरोप्लेन जो है किस पर दौड़ रहा है, रनवे पर दौड़ रहा है, तब तक तो इसमें गति है, गतिज ऊर्जा है, लेकिन जब यह यहां से आकर और ऊपर उड़ जाएगा तब यह धरती से क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा है ना। तो जब तक रनवे पर है तब तक तो गतिज ऊर्जा है, लेकिन जब ये रनवे से ऊपर उड़ जाता है तब इसमें गतिज भी होता है और साथ ही साथ स्थितिज ऊर्जा भी होता है, क्योंकि यह धरती से ऊंचाई पर है तब तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, और जब यह दौड़ भी रहा होगा तब इसमें दोनों ऊर्जाएं होंगी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा होगी। जैसे आप बस के अंदर बैठे हैं तो आप धरती से कुछ हाइट पर बैठे हैं, ठीक है, तो आपके अंदर जब बस में बैठे हैं तो, और बस चल रही है, तो आप किसी बस में बैठे हैं, बस चल रही है, तो आपके अंदर दोनों ऊर्जा होंगी, एक तो धरती से ऊपर है तो स्थितिज ऊर्जा, और एक बस के साथ आप चल रहे हैं तो वहां पर कौन सी ऊर्जा भी आ जाएगी, वहां पर गतिज ऊर्जा भी आ जाएगी। जैसे कि गतिज ऊर्जा कब आपको देखने को मिलेगी, जब आप मान लो आप मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, मोटरसाइकिल जब तक चल रही है तब तक आप ठीक ठाक बैठे हैं, जैसे आगे कोई साधन आ जाता है एकदम से ब्रेक लगा दे तो अपन को आगे धक्का लगता है, जैसे अपन रुकते हैं तो धक्का लगता है, तो अपने अंदर कौन सी एनर्जी थी, गतिज ऊर्जा थी, तभी तो अपन आगे आ रहे, ठीक है। तो जब अपन मोटरसाइकिल पर बैठे होते हैं तब भी अपने अंदर दोनों ही ऊर्जा होती है, कौन कौन सी, एक तो स्थितिज एक गतिज ऊर्जा। कुर्सी पर बैठे हैं तब अपने पास ओनली स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वहां पर अपन केवल बैठे हैं चल नहीं रहे, बैठे हैं तो स्थितिज ऊर्जा, लेकिन मोटरसाइकिल भी अगर खड़ी है एक स्थान पर तब तक तो स्थितिज ऊर्जा रहेगी, लेकिन मोटरसाइकिल जब चलने लगेगी तब गतिज ऊर्जा भी आएगी। यानी कि देखिए समझ जाओ, गतिज ऊर्जा यानी कि जब गति कर रही हो कोई वस्तु तो गतिज ऊर्जा है, और रुक रही है तो स्थितिज ऊर्जा, लेकिन आप स्थितिज ऊर्जा यानी कि आप समझो, धरती से ऊंचाई पर हो आप तो स्थितिज ऊर्जा, और आप की गति हो रही है यानी कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हो तो गतिज ऊर्जा, लेकिन जब आप धरती से ऊपर भी हो और आप चल भी रहे हो तो क्या है, स्थितिज ऊर्जा भी गतिज ऊर्जा भी। हनुमान जी उड़ते हैं, जमीन से ऊपर उड़ते हैं, तो उनमें स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा भी, धरती से ऊपर गए तो स्थितिज ऊर्जा आ गई और चल रहे हैं तो गतिज ऊर्जा, और दोनों काम हो रहे हैं, धरती से ऊपर भी है और चल भी रहे हैं, तो क्या उनसे ऊर्जा आएगी, दोनों आ जाएगी, स्थितिज और गतिज। मोटरसाइकिल पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोटरसाइकिल पर आप धरती से ऊंचाई पर बैठे होते हैं, नीचे तो टायर होते हैं ना, तो आप तो ऊपर बैठे हैं ना, मोटरसाइकिल की बात करें तो वो ओनली गतिज ऊर्जा में है, लेकिन आप तो धरती से ऊपर बैठे हैं, आपने तो धरती को छोड़ ही दिया, तो धरती को छोड़कर अपन जहां ऊपर आ जाते हैं वहां स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यही थे आज के इसके बारे में, इसके ये टॉपिक था अपना एनर्जी, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया है। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर देना, आगे अपन इससे आगे वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।